दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है आईपीएल 2024 के अंदर, बट यहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं ना थोड़ी बहुत नज़र उन्हें लग गई है और एक रियलिटी चेक भी उन्हें मिल गया है कि उन्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कम करना चाहिए। इतना भी यहाँ पर उनको ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अब यहाँ पर कोई लोग इस स्टेटमेंट को गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, बट हु केयर्स। बात करें तो एक मुकाबला टीम केकेआर पिछला हार गई थी चेन्नई के अगेंस्ट, बट अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहेगी और लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट अपना दमखम दिखाने वाली है, वो भी अपने घर पर। तो एक तो केकेआर के जो मुकाबले ना वो यार बहुत ही लेट आते हैं तो फैंस बोर ही हो जाते हैं, उन्हें तो पता ही लगता है कि यहाँ सिर्फ आरसीबी है या फिर मुंबई है या फिर चेन्नई है या फिर कल की आई हुई एक दो टीमें जो बची हुई है ना, वो टीमें हैं जो मेन टीम है ना, धमाकेदार, धांसू, जो फिर एंटरटेनमेंट देती है, कॉन्ट्रोवर्सीज देती है। और तो यार यह है ना बहुत ज़्यादा लेट इनके मुकाबले कर दिए। गौतम गंभीर इस सीज़न सुधर के गए शेड्यूल के अंदर है ना, मैचेस बहुत लेट कर दिए, बट कोई बात नहीं दोस्तों। आज के मुकाबले में हम कंपेयर करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप 6 प्लेयर्स को केकेआर के टॉप 6 प्लेयर्स के साथ, और यहाँ पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको भी लगता है केकेआर हारने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी और मुकाबला जीतेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर प्रेस कर लो। एंड बात करेंगे टीम केकेआर के टॉप 6 खिलाड़ियों की, इसके बाद बात करेंगे टीम एलएसजी के टॉप खिलाड़ियों की, टॉप 6 खिलाड़ियों की, उसके बाद दोनों ही प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों के ही टीमों के टॉप 6 प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे। तो टीम केकेआर के टॉप 6 खिलाड़ी हैं फिल सॉल्ट, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण। टीम एलएसजी के टॉप 6 खिलाड़ी हैं क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, नवीन उल्लक, कृणाल पांड्या। तो कुछ इस तरीके से दोनों ही टीमों के टॉप 6 खिलाड़ी हैं। अब आप यहां पर है ना दोस्तों नीचे कमेंट करके बेवकूफ़ी मत करना कि ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। बहुत ही बैलेंस ये टॉप 6 खिलाड़ी हैं जो अभी फॉर्म में भी हैं या किसी का कमबैक हो रहा है। इसके अलावा यहां पर जो टीम एलएसजी है उनका भी अच्छा भी परफॉर्मेंस चल रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्विंटन डीकॉक के साथ फिल सॉल्ट है, दोनों यार फिटनेस हो जाएगा, यानी 50-50% ऐसा कुछ खास नहीं है, मारते हैं तो दोनों ही बहुत शानदार मार रहे हैं। वैसे सभी मुकाबलों में यहाँ पर सॉल्ट तो चले ही हैं, बट एक पिछले मुकाबले में गोल्डन डक रहा है। इसके बाद नीतीश राणा के सामने केएल राहुल हैं। अगर बात करें तो केएल राहुल स्लो ज़रूर है बट खेल रहे हैं, नीतीश राणा तो इंजरी से कमबैक कर रहे हैं। तो यहाँ आप अगर पॉइंट देना चाहो तो केएल राहुल को दे सकते हो, बट ये जो बैटल होने वाली है ये बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। इसके बाद रिंकू सिंह के सामने मार्कस स्टोइनिस है, तो यहाँ डिबेट नहीं होनी चाहिए, रिंकू सिंह क्लियर विनर है। मार्कस स्टोइनिस केवल अभी तक एक मुकाबले में चले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है ना कट टू कट बॉल उन्होंने ली थी। इसके बाद आंद्रे रसल और निकोलस पूरन है, तो ये तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर तो दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार अपनी ही टीम को पॉइंट दो या फिर अगर कोई सामने ज़्यादा तगड़ा है तो हर बार उसको ही पॉइंट दो। अगर दोनों काबिल हैं, दोनों तारीफ के लायक हैं तो दोनों के ही बारे में, दोनों के हक में बोलना बेहद ज़रूरी है। आंद्रे रसल, निकोलस पूरन बहुत शानदार खेल रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। मिचेल स्टार्क, नवीन उल्लक, तो ये भी आई होप कि यहाँ पर भी डिबेट करना बेवकूफ़ी होगी। नो डाउट नवीन उल्लक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क का नाम कितना ही बड़ा हो, प्राइस टैग कितना ही बड़ा हो, एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा हो, स्टेट्स में दमखम आईपीएल के नवीन उल्लक के हैं रिसेंटली। और मिचेल स्टार्क तो यहाँ पर 25 करोड़ रुपये ना उसके साथ स्विमिंग कर रहे हैं। एंड बात करें तो सुनील नारायण के सामने कृणाल पांड्या है, कृणाल पांड्या ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी, हालांकि है तो छपरी के ही भाई, बट यहाँ अगर कृणाल पांड्या की बात की जाए तो बैट के साथ भी बॉल के साथ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बट सुनील नारायण भी है ना ओपी ऑन टॉप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो यहां पर भी डिबेट नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस्ड साइड दोनों ही टीम है। तो कुल मिलाकर यहां पर हम सोच रहे थे आरसीबी के सामने, चेन्नई के सामने, एमआई के सामने बड़ा मुकाबला होगा, बड़ा कॉम्पिटिशन होगा, बट साइलेंट किलर कही जाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड दोनों ही मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला है गौतम गंभीर भी लखनऊ से केकेआर में आए हैं, मनीष पांडे भी लखनऊ से केकेआर में आए हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, अच्छी राइवल होगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ केकेआर जीतेगी, लखनऊ जीतेगी ईडन गार्डन्स पर, जब ये दोनों ही टीमें अगले मैच में आमने सामने होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।